मैंने भाई का वीडियोस देखी है, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को नहीं बता रहा आप आसाम से, सच्ची भाई बहुत भालू लगे से मुरमोंटे तो राइट नाउ गाइस टाइम हो चुका है 3:45, हम गए थे टुवर्ड्स चांगसारी कुछ एक अलग काम से, और हमारे बाबू भैया जो कि अभी आ चुके हैं आसाम में, उनका मीटअप था 2 बजे से दिचांग रिजोर्ट में। हम काफी लेट है 3:45, पता नहीं अब वहाँ पे मीटअप हो रहा होगा या नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं मिलने की। बाकी हमारे विकास भाई को फोन किए थे जो उनका मीटअप का सारा ऑर्गेनाइज वगैरह किए हैं यहाँ पर, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, और हमारे समीरन भाई का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तभी जाके डायरेक्टली देखते हैं अगर मिल पाते हैं तो मिल लेंगे। बाकी मौसम का आज मत, इतना कड़कता वाला धूप था ना, मतलब पता नहीं चल रहा है कि मतलब नवंबर का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है जून जुलाई का महीना चल रहा है। शुक्र है कि 2 दिन के बाद हम निकल रहे हैं अपने ट्रिप पर, नहीं तो फिर भाई सही विंटर का मजा ही नहीं ले पा रहे थे गुवाहाटी में, वही शाम के टाइम में थोड़ा बहुत ठंड होता है, बाकी दिन भर तो धूप ही धूप। बहुत ही भयंकर वाला आवाज निकल रहा है हमारे सामने के रेसर सेट से, किच 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 किच। कुछ दिन पहले हमने परचेस किया था, लगाने भी गए थे सर्विस सेंटर में, लेकिन सर्विस सेंटर में जो मैकेनिक है ना हमारे बाइक का Yamaha R3 का मैकेनिक भैया के पास एकदम से टाइम नहीं था, हमने फिर सोचा कि बाद में लगवा लेंगे। रेसर सेट का भी काम पेंडिंग है और ऑयल सील का भी काम पेंडिंग है, इतना भयंकर वाला आवाज कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आगे का पहिया निकल जाएगा। और सामने तो बढ़िया वाला कॉर्नर भी है, पता नहीं कॉर्नर ले पाएंगे नहीं, थोड़ा ट्राई करेंगे, इसको टेस्ट करना पड़ेगा भाई, पता नहीं बहुत ही भयंकर वाला आवाज निकल रहा है। भैया रेसर सेट का आवाज है बोल रहे हैं हम। अरे रुको, इंजन से तो पीछे का चक्का घूमता है, सॉरी बॉस। हाँ सामने का बियरिंग भी गया है, बियरिंग गया है और ऑयल सील भी गया है, तीनों में से एक का आवाज निकल रहा है, मेरे ख्याल से रेसर सेट का ही होगा। आराम आराम चलते हैं भाई। बहुत ही, ये देखो भाई क्या आवाज निकल रहा है। हम क्या सोच रहे थे कॉर्नर लेंगे भाई, कॉर्नर में वांदे लग जाएंगे हमारे, अभी अगर हम कॉर्नर लेंगे ना गाड़ी बोलेगा भाई कॉर्नर मत ले, लेटा देंगे रोड पर। भाई इतना गंदा लग रहा है ना भाई, पूछो मत भाई, ऐसे कैसे जाएंगे भाई। सिराज खान हो ताबड़तोड़ कैसे हो, बढ़िया एकदम। तो हमारे भाई लोग भी है यहाँ पर, हम सोच रहे हमारा कोई नहीं होगा। हाँ वीडियो हो रहा है, ऑन है ऑन है। बहुत भारी लगी से मोर मोंटू गोडा मरी था, हमारे पासी मरी खाम सभी मिलने आए थे बाबू भैया से, और इधर में मिल गए कुछ ताबड़तोड़ स्क्वाड। इधर में हमारे उज्जवल भाई के मदद से, हेलो पहले तो इंट्रोडक्शन, उज्जवल भाई कोई मदद, इंट्रोडक्शन नॉट नीडेड, लोग पहचानते हैं इनको, तो इनके मदद से अभी जाने का मौका मिल रहा है। हम काफी लेट हो गए, चांगसारी गए थे हम, तो पहले सोच रहे थे कि मिलना होगा नहीं मेरा, बहुत लेट हो गए, लेकिन संभालना मुश्किल हो गया था ऑब्वियसली, लेकिन लोगों का प्यार है ना किसी, ऑब्वियसली। और मैं खड़ा था बाहर, अभी 150 लोग सेल्फी लिया कम से कम। लेकिन भाई स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, स्विच ऑफ गलत बात है भैया, मेरा मोबाइल ही मेरे पास नहीं है, मैं आदमी किसी तरह से इतना लोगों का प्यार मिल रहा है इधर में आसाम में, लोग भी इतना है ना, थोड़ा सिक्योरिटी का भी रीजन होता है, थोड़ा संभालना पड़ता है, बहुत मुश्किल। और सबसे अच्छा बात है की अच्छा से हो गया इवेंट, सबसे अच्छा बात है, बड़ी बात है, बहुत अच्छे से होगा इवेंट, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास है। अगर आज कुछ करे जो हाँ, कुछ गलत हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, सब उल्टा फेंक बहुत है भाई, लोग अभी भी रुके हुए मतलब, और ये सोच रहे हैं कि आएंगे नीचे भी आएंगे, इसके नोटिस में शायद सबसे बड़ा जोशी जोश में जाना चाहिए, लोग है इधर में, इधर में है, इधर में है बाबू भैया है, इधर में फोटो खिंचाने आएंगे, थोड़ी देर में लोग का बोलेंगे, फिर खिंचाते हैं, ठीक है, कमी नहीं होगा, कमी नहीं होगा।
क्या कंजूस आदमी, फोटो खींचने तेरे नहीं खींच रहे भाई, इतने दिन कहाँ थे भाई? ओ माय गॉड, अपने आप को कौन नॉलेज है मानू, ये डांगर मानू बोले। नहीं नहीं, मेरा पिताजी का वो हुआ था ना, उसके बाद मैंने किसी का खबर नहीं लिया। बहुत अच्छा मित्र वैसे आपको अभी दिखा, मैं दूर में था तो टाइम लगा इसलिए। तो बहुत दिनों के बाद भावनाओं को समझो, पुरानी गहरी दोस्ती, बहुत भाल लगे से मूड अंतर समझो, मजा लो जाओ, मजा लो जाओ, मजा लो जाओ, मजा नहीं ना दो। चलो चलो थोड़ी बातचीत करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। बाबू ये फर्स्ट वीडियो जो देखा वो जो मीटअप में एक था ना सबके साथ में, जो 100 के वाला, 100 के वाला मैंने कौन सा देखा पता है? आपका एक पार्टिसिपेशन था ना लैपटॉप का, हां निखिल का, वो जो एक देवी देवता आ जाता है, एडिटिंग किया था आपने, वो भी देखा। और वो पहला वीडियो मैंने देखा था, मैं देखा जो यूट्यूब का कुछ प्रोग्राम था ना, तुम जो गए थे कैरिमिनाटी से मिलने, वो कैरिमिनाटी वाला वो देखा, वो देखा मैंने, वो वाला लेनोवो से देखा था मैंने। बहुत इनिशियल वीडियो था गाइस मेरा फर्स्ट, उस वीडियो से मेरे को लोगों ने जानना शुरू करा था, बिकॉज़ वो वीडियो हम जीते थे लोग। हां तब ये था, ये नहीं था, ये वाला था, ये वाला था, अभी ये बन गया ना, अभी ये फ्रॉम दिस टू दिस, का फ्रॉम दिस टू दिस, बाल बढ़ गया और औकात भी बढ़ गया जीवन में भाई साहब। तो विकास भाई, बाबू भाई से तो मिल लिए, इधर में है क्वीन, रिपुन भाई की क्वीन। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर द बेबी जो अंडर प्रोडक्शन है, मतलब आ रहा है, आने वाला है कमिंग सून, बाकी आने से पहले ही कांड चालू, यानी कि रिकॉर्ड बना दिया है, आने के साथ साथ अपना नाम कर लिया, नाम कर लिया है। केदारनाथ यात्रा किया था और इंडिया में आज तक किसी ने नहीं किया, हम 6 मंथ प्रेग्नेंट थे, मतलब अभी से एडवेंचर चालू। तो मतलब जो आने वाला है, मतलब क्या कर, भी किया था मैंने 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में वैष्णो देवी और 6 मंथ्स में केदारनाथ भी ट्रैक फुल्ली। और उस दिन सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, बंद था, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, हम आते हैं, शुक्रिया जी। वो भैया भी गए नीचे, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसा है माहौल नीचे का, थोड़ा धूम धड़क का धड़कन धड़कन करना है। आपका नाम? पंकज। इनका चैनल का नाम है स्टे विद पराग। और आपका चैनल है कुछ? आपका नाम? संजीव दास। संजीव दास भाई, थैंक यू सो मच। आ रहे ठीक है, चलो चलो चलो। तो इससे पहले भयंकर वाला सीन जा चुका है, अभी छोटा सा भयंकर चल रहा है, तो हम जाते हैं भीड़ को चिढ़ के, देखते जा सकते हैं कि नहीं। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर मित्र भी बोलेंगे कुछ, क्या बोलोगे भैया? कैमरा ही कैमरा है चारों तरफ, किसको देखे, किसको देखे? तो भाई हम क्या बताएं, मतलब आए थे बाबू भाई से मुलाकात हो चुका है ऑलरेडी रूम पे जाके, बाकी नीचे आए तो यहाँ पे भी हमारा छोटा मोटा सा मीटअप हो चुका है, ताबड़तोड़ वाला मीटअप। कुछ बोलना है? ओ हिला डाला रे बाबा, क्या है भाई ये? अभी यहाँ पे खुश करते हुए देखिए हमारे साथ में आज कौन है, न्यूज बॉय इज हियर। ये बोलते हमें बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि हम जब शुरू किए थे यूट्यूब 2018 में, तब यूट्यूब में मतलब असम साइड में मोटो ब्लॉगर कोई नहीं था, तो हिंदी में मोटो ब्लॉग करता था। तो हम आज ये बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि भाई हम असम से, और इनका चर्चा दुबई तक पहुंच चुका है, ठीक है? ये ज्यादा हो गया, नहीं नहीं पहुंच चुका है, जो सच है सच है। तो न्यूज बॉय कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ढेर सारा प्यार मिलने के लिए, थैंक यू सो मच। और दुआ में याद कीजिए, कभी हमारा भी न्यूज बना दीजिए, हम कसम खाते हैं आपको मसाला देते रहेंगे। अभी विकास दा के बारे में कुछ बोल दीजिए, मैं कल डाल दूंगा, ये कौन है? कलर पे करके मारूंगा मैं, कौन है, कहाँ है, डाल दीजिएगा, मैं डाल दूंगा, कॉन्ट्रोवर्सी मतलब फुल डालेंगे। ठीक है, ब्लॉग बनाते हो बहुत सही है जी, थैंक यू सो मच। और आज मिलकर बहुत अच्छा लगा, चलो थैंक यू। अभी बस गाइस निकलने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले बहुत इंतजार किया, एक बार बाबू भाई से सुनना है मतलब कैसा लगा आसाम में आके, और बुलवाना है, क्या बुलवाना है भाई, ताबड़तोड़ बुलवाना है। और दूसरा डायलॉग बहुत भाल लगी से मोन्टू, बाकी के सारे भाई लोग आज बहुत बार बोले, बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारे साथ लिया फोटो, बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा भाई। हमारा मीटअप भी बहुत दिन से पेंडिंग था, आफ्टर 100 के हमने भी मीटअप नहीं किया था, तो आज आके ऐसा लगा अपना ही मीटअप है, इतना सारा भाई लोगों से मुलाकात किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हमारे भाई हेलो, दिन पहले मिले थे हम लोग, झूला झूलने गए, तो अभी शिबू भाई को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, शिबू भाई उधर आने वाला है।
सो गाइस अभी निकलते हैं, इधर में अनुराग भाई बाय बाय करते हैं अभी। एक बार दो डायलॉग देना आपको, एक तो ताबड़तोर और दूसरा वाला बहुत भालू लगी से मुरमोंटे। बहुत भालू लगे से मुरमोंटे और ताबड़तोर। ताबड़तोर मेरे से राज खान भाई, मैंने भाई का चैनल मैं वीडियोस देखी है एंड आई सच्ची बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता था आसाम से सच्ची। अच्छा अच्छा, थोड़ा हिंदी का एक्सेंट अलग है ना, मेरा दिल्ली वाला है मुझे कसम, मेरे को लगता था कि आप दिल्ली से हो। ये भाई अपने आसाम से, तो अच्छा लगा भाई से मिलकर। एग्जैक्ट इवेंट नहीं था, मैं थोड़ा बाहर था, इवेंट खत्म होने के बाद आ गया था। ओके ओके, इसके चलते मिल नहीं पाया। चलो बट बाकी आगे के राइड के लिए बेस्ट ऑफ लक, राइड सेफ, राइड हर्ट। आई गेस माजुली होगा। हां जी माजुली, माजुली। अभी मैं दो दिन के बाद अरुणाचल निकल रहा हूँ तवांग के लिए। चलो राइड सेफ, आपको भी बहुत अच्छे से राइड करिएगा और कभी जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अच्छा ब्रो फेस्ट, ब्रो फेस्ट, न्यूज बॉय जी को भी बाय बाय। बाय 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 बाय, फिर से मिलेंगे। कुछ गर्मा गर्म न्यूज हो तो बताएंगे हम। सीरियस खान एक्सपोज नेक्स्ट वीडियो। बहुत भाल लगी से मुरमोन, इनका हम कॉलर पकड़े थे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हल्के पकड़ो थंबनेल में, भालो वो मारेंगे इनको पकड़ के। कितना अच्छा लगा भाई, क्या बताए भाई, एकदम खत्म, कहानी खत्म हो गया। अभी बाहर जा रहे हैं बाइक के पास, खुश हो गए भाई, दिल से खुश हो गए एकदम भाई। क्या करे क्या ना करे भाई, क्या मुश्किल है भाई एकदम। इधर में अंधेरा है, कैनन का रोशनी खराब है, मिररलेस कैमरा नहीं है, बंद करो इसको। हम लोग ना भाई अभी निकलने वाले थे, बट एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र बोले कि हमारा सुपर बाइक को देख के जा। तो भाई ये रहा Z900 हैशटैग लोन वुल्फ। भाई ये तो जबरदस्त बाइक है, हमने पूरे लाइफ में जिंदगी में एक ही बार चलाया था, वो भी Z800 वाला मॉडल। भाई अभी निकलते हैं, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। भाई का ही Z900 था, बढ़िया था एकदम। भाई अभी निकलते हैं, बहुत देर हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके अनुराग भाई से। भाई का ना एकदम डाउन टू अर्थ है, एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग बोल भी रहे थे कि भाई का बहुत ही एटीट्यूड है, बट हमें पर्सनली मिलके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई का कुछ भी एटीट्यूड है। बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आया, बातचीत हुआ हमारा, फिर बाद में फ्यूचर में मिलने का प्लान चल रहा है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन मिलके ना बॉस बहुत ही अच्छा लगा है। तो आज के लिए दोस्तों, या तो वीडियो लाइक और कमेंट जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत Till then, dream big, be passionate and always ride safe, my brother, and don't trouble your mother. चलिए मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में फटाक से। अगला वाला ब्लॉग मेरे ख्याल से तवांग का होगा या डोमिनार का, पता नहीं, कुछ ना कुछ होगा। चलो बाय बाय।